अरिंदर मुखिया मुर्दाबाद 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 राजा मुखिया के खिलाफ आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन मुखिया के खिलाफ इसलिए विरोध किया जा रहा है कि हमारे घर में कुछ बंटवारे के हिसाब था जो काफ़ी दिन से टेंशन चल रहा था। हमारे गांव के आदमी बैठे हुए थे तो मुखिया वहां पे आए, हमारे पास पैसा नहीं था लाइटिंग बनाने के लिए, वो बोले अपने बाप से नहीं लेना है, 30,000 रुपया हम देंगे आपको। पूरा समाज के सामने मुखिया बोले थे हलेंद्र यादव मुखिया, मतलब स्वीकार थे पैसा देने के लिए, पैसा देने के लिए 30,000 रुपया कि अपना बाथरूम तुम बनवा लेना ठीक है, जब हम लोग घर पर आके लेना। जब हम लोग मांगने गए तो वो इनकार कर गए कि सीधा हम पैसा नहीं देंगे। ये मामला हमारा मतलब सरपंच, ये तो सरपंच का मामला सवाल था, सरपंच तो सरपंच भी को बोले थे कागज़ बनाने के लिए एक बॉन्ड पेपर, तो वो भी नहीं बनाए ठीक है। और मुखिया जी को खैर बुलाया भी नहीं गया था, वो अपने मन से आए थे और सुझा हुआ मसला सुलझ गया था, लेकिन उसको मुखिया जी उलझा दिए। तो क्या हुआ था मामला जो पारिवारिक उसमें मामला पंचायत का बैठक था, और बैठक में मुखिया जी सीधे आए और अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, और करने के बाद बोले कि हम तुम्हारे मसला का हल कर देंगे, और मसला का हल भी नहीं किए, कागज़ भी नहीं बनाए और कोई लेन देन नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टी की तरफ जा करके एक तरफा बात करके इनसे लड़वाने का काम कर रहे हैं। और ये आज ऐसा ही नहीं, ये मतलब हमारे गाँव में जितने भी काम मुखिया के तहत हो रहे हैं सब मुद्दे का काम हो रहा है, और मुखिया जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ लड़वाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि चकिया के कोई निवासी सोनदिया में जाते हैं। तो अभी फिलहाल ये पारिवारिक मामला में फिर क्या लाल पारिवारिक मामला में है कि बैठक के बीच में उन्होंने बोला कि हमसे 30,000 रुपया आकर ले लो, हम कागज़ बना कर दे देते हैं और तुम अपना बना लो। और जब लड़का गया कि मुखिया जी कागज़ दे दीजिए, और जो पैसा बोले देने के लिए दे दीजिए, सीधे पलट गए कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे। और दूसरा नंबर कि उसके भाई को फ़ोन करके भी बोल रहे हैं कि देख तोरा भाई आया था पैसा मांगने के लिए, उसको लात मार के भगा दिए हम। और उसकी भाई की औरत जो है इसके घर में जा करके ओलहाना दे रही है कि बाप के पास गई रहा मांगने के लिए। क्या करेंगे आप लोग ये बताइए ना। हम लोग मुखिया के खिलाफ नाराबाजी करेंगे और उनके पास उनके दरवाजे पे भी जाएंगे और हल्ला गुल्ला होगा कि आपको ये काम नहीं करना था तो क्यों आप बोलते हैं, क्यों चकिया के मैटर में आकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक, क्या नाम बताइए जी। मेरा नाम आसिफ इकबाल है, मैं चकिया का निवासी हूँ। मामला जो है घरेलू पारिवारिक मामला है, मुखिया पैसा देने की बात किया गया था, और कहते हैं ग्रामीण के मुखिया घुस जाते किसी के पर्सनल मैटर में और लड़ाई लगा देते हैं। मुखिया जी अभी तक जितना भी ये घर वगैरह बनाए हैं बिना पैसा लिए, बिना इसके इंटरेस्ट के काम किए हैं। तो ये आरोप जो लगाया जा रहा क्या है? ये आरोप तो उनके विरोधी लोग लगा रहे हैं, ठीक नहीं है। चकिया गांव के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप पारिवारिक मामले में घुसकर लोगों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि एक मुखिया होने के नाते हमारे पास जो भी चकिया हो, दुलारपुर, रतनपुर, पूरे पंचायत के लोग आते हैं। मैं बहुत ही कम पंचायतों में जाने का कोशिश करता हूं, चूँकि ये मामला सरपंच का होता है, वाद विवाद का, लेकिन रिक्वेस्ट जब करते हैं आते हैं लोग तो मजबूरी में जाना पड़ता है। और ये पिछले बार भी चुनाव लड़ा है, और चुनाव में लोगों ने चकिया के लोगों ने इसको बहुत भारी मतों से मैंने हराने का काम किया, तो ये तो चलता है। और एक ये सोची समझी साजिश है, जो पीड़ित वो भी कह रहा है कि 30,000 रुपया लिए देने के लिए बोले थे, देखिए नहीं मिला, उसके बाद भी कई। देखिए सच्चाई है कि आप ही बताइए कि एक मुखिया क्यों किसी को 30,000 रुपया 40,000 देता चलेगा, क्यों देगा? एक मानवता के नाते, एक मुखिया होने के नाते हम लोग मामला को सुलझाने का काम करते हैं, बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। जहाँ तक जो बातें है, हम तो आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे कि जितने भी जितना वो जिस तरह से बातें चल रही है, प्रशासन उसे पहल करके और एक एक इंच का हिसाब अगर उसको गिनवाने का काम कर दे। जो पीड़ित है उसका कहना है कि मुखिया जी जानबूझ के घुस जाते हैं किसी के मैटर में, जरूरत नहीं पड़ता फिर भी उसके मैटर में घुस जाते हैं और इंटरफेयर करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि पंचायत के लोग, चाहे सरपंच हो, मैं हो, आप हो, कोई भी अगर पंचायत में जाता है तो सही बात बोलेगा, तो गलत जो करता है उसको निश्चित तौर पर दुख लगता है, उसको लगता है कि जो फलाना आदमी है वो हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं स्वच्छ भाव से, एक पंच परमेश्वर होता है, पंच के नाते पक्षीय उनका कहना है कि एक पक्षीय वो करते हैं, यही तो गलत है ना। हम तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश, हम यही कहेंगे ना, ऐसे लोगों के लिए एकमात्र ही उपाय है कि अगला व्यक्ति थाना की रिपोर्ट करो, थाना अगर प्रशासन वहाँ रख कर गिनवाए, पता चल जाएगा कि वो आदमी कितना पकड़ा है, कितना का किया है, पता ही चल जाएगा। हमारे ख्याल से मैं गया था उस में, और जो ये बोल रहे हैं लोग, ये दूसरे का दबाने का काम कर रहे थे लोग, सीधे 4-5 फीट देने का काम कर रहे थे लोग। हमने उसका विरोध किया, हमने कहा कि नहीं,
अगर किसी का एक कट्ठा अगर जमीन लिया है तो एक कट्ठा मिलना चाहिए, ये लड़का आधा कट्ठा जमीन लिया तो इसको आधा कट्ठा मिलना चाहिए, यही है उसको कहना। यह है कि आधा कट्ठा छोड़कर हमको रास्ता मिले तो ये बताइए कि मैं कौन रास्ता देने वाला होता हूँ। अगर कोई ज़मीन किसी खरीदगी ज़मीन है उसकी वो मानसिकता होनी चाहिए कि रास्ता दे अथवा ना दे। मसला कैसे सुलझेगा अभी ये बताइए। अब तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ऐसे आरोप जब लगेंगे तो हमारे इस आदमी इस पर किनारा ही करेगा, लेकिन एक सलाह देंगे हम ज़रूर कि इस कानूनी प्रक्रिया के तहत वो लड़का जाए और अपना जो एक कट्ठा ज़मीन लिया है उसको लेने का काम करे।